हेलो गार्डनर्स, आज मैं आपको एक बहुत ही बेस्ट और मल्टी यूज़ फर्टिलाइज़र बनाना सिखाने वाली हूँ। उसके लिए हमें सिर्फ चाहिए होगी ओनियंस, और आपको ओनियन के जो पील्स हैं इनका यूज़ करना होगा। इन पील्स का आपको यूज़ करना होगा। आपको क्या करना होगा, जब भी आप अपने किचन में ओनियन के पील्स को निकालें, आपको उसे किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रखना है, और आप इसे निकालने के तुरंत बाद भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने इसमें स्टोर करके रखे हुए हैं। और अब आपको क्या करना होगा, आपको एक इस टाइप का ग्लास लेना होगा, प्लास्टिक का ग्लास है ये, डिस्पोजेबल ग्लास। और आपको इसमें ये जितने भी पील्स हैं इनको इसमें फिल करना होगा। देखिए, मैंने इसे इनमें फिल कर दिया है, और अब हम इसमें वाटर भरेंगे। पूरा ऊपर तक फिल करना है, जिससे कि सारे पील्स उसमें डिप हो सके, और फिर आपको इसको 48 आवर्स के लिए रख देना है। ये जो ओनियन के पील्स होते हैं, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम एंड कॉपर, एंड दे ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस, जिंक एंड आयोडीन। दिस मैन्योर फर्टिलाइजर इज ऑल्सो नोन एज पोटेशियम रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, विच यू कैन यूज इन एवरी प्लांट, स्पेशली इन फ्रूट प्लांट एंड फ्लावर प्लांट। सो वॉट यू हैव टू डू इज दैट ग्लास, कीप दिस ग्लास असाइड फॉर 48 आवर्स। After 48 hours, now you can see the change in color. Now we will use another container and pour this fertilizer, only fertilizer, not peels, in this container. Now use 1 liter water and pour this in this container. This container is also a 1 liter. So this is enough. This fertilizer is very beneficial for fruiting and flowering plants. If you will use this fertilizer once in a week, have very good results. So I will show you how to pour this fertilizer in the plant. So let us see how we can pour this fertilizer in, or how much amount we should pour in one plant. ये देखिए, ये मेरा मैरीगोल्ड का प्लांट है, और इसमें मैंने इस मैन्योर को 7 डेज पहले यूज़ किया था, और आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, इसमें कितने सारे फ्लावरिंग हो रही है और बर्ड्स भी कितनी सारी आई हुई हैं, आप ये भी देख सकते हैं। और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी जो सॉइल है वो ड्राई हो चुकी है। तो आपको कभी भी ड्राई सॉइल में मैन्योर का यूज़ नहीं करना है। उससे क्या होगा कि आपकी रूट्स जो होंगी वो मैन्योर को ज़्यादा सोक कर लेंगी अपने अंदर, और आपका प्लांट मुरझा सकता है। इसलिए पहले आपको प्लांट में वाटरिंग कर देनी है। और फिर आपको जो आपने मैन्योर बनाई है उसका यूज़ करना है। आपको इसका इस ग्लास का 1 पार्ट लेना हो, मतलब इस फुल ग्लास आपको आप डालना होगा आपको। देखिए, मैंने पूरा ग्लास भर लिया है, और ये मैं इसमें डाल दूंगी। इससे अगर आप कोई भी फ्लावरिंग प्लांट या फिर कोई भी फ्रूटिंग प्लांट में
इस मैन्यूर का यूज करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।